और कहा कि तूने मुझे मेरी पात्रता से ज्यादा दिया है, शिकायत मत करो, शिकायत मत करो। लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते करते शिकायत में उतार आते हैं, प्रार्थना प्रार्थना करते करते शिकायत पर उतार आते हैं। तूने मुझे नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फला नहीं दिया, ध्यान ढिका नहीं दिया, इसको ये दिया, वो दिया, मुझे नहीं दिया, बड़ा मेरे साथ अन्याय किया ना। उसको बोलो, ये मेरे मालिक, तूने मुझे मेरी पात्रता से ज्यादा दिया, सबको मिला है, बहुत कम मिला है, सबको मिला है, सबको मिला है, सबको मिला है, सबको मिला है, बहुत कम मिला है। पर जरा सोचिए तो, आप जितना कितनों को मिला है, सबको मिला है, बहुत कम मिला है, पर जरा सोचिए तो, आप जितना कितनों को मिला है। शिकायत मत करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और जिंदा प्रार्थना करो। कहो, मेरे मालिक, मेरे कानों को ऐसी ताकत देना मैं अपनी बुराई से सकूं। जीवित प्रार्थना करो, प्राणवंत प्रार्थना करो। मेरे कानों को ऐसी ताकत देना मैं अपनी आलोचना सुन सकूं। लोग बड़ी मुर्दा प्रार्थना करते हैं मंदिर में, आएंगे, हे भगवान, तू करुणा सागर है, ज्ञान सागर है, दया का सागर है, प्रेम का सागर है। अरे वो जो है वो तो सबको मालूम है, तू क्या है रामलाल, ये बोल, तू क्या है ये बोल, अपने बारे बोल। हिमालय के सामने जाके कोई कहे कि हिमालय इतना बड़ा, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, वो तो सबको पता है। पर हिमालय के सामने जाके अगर हमें अपना बोनापन दिखाई दे जाए तो हिमालय के सामने खड़ा होना सार्थक हो जाता है। इसलिए जीवन में जीवन में जीवन में जीवन में जो मिला स्वीकार करो। एक संत था, दुष्ट व्यक्ति से पूछा कितने बज, कितना बज रहा है, टाइम पूछा कितना बज रहा है। वो दुष्ट व्यक्ति का, दुष्ट प्रवृत्ति का, दुष्ट प्रकृति का संत ने उससे पूछा, भाई कितना बज रहा है। उसने घड़ी को देखा और साधु के सिर पर एक डंडा मारा और बोले, बाबा एक बज रहा है, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ टाइम बताने का, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। एक डंडा मारा उसका, बाबा एक बज रहा है, सिर पे डंडा पड़ा, साधु खुशी के मारे नाचने लगा, खुशी के मारे नाचने लगा और हाथ जोड़ करके उस ऊपर वाले को लाख लाख धन्यवाद देने लगा। लोगों ने कहा, बाबा तुम पागल हो गए क्या है, उसने तुमको डंडा मारा रोने की बजाय, आंसू मारने की बजाय तुम खुश होके नाच रहे हो, पागल हो गए क्या। साधु ने बड़ी प्यारी बात कही, उसने कहा, मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूं ऐसे एक घंटा पहले नहीं पूछा। बोलो, मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा हूं कि इससे एक घंटे पहले नहीं पूछा, वरना जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, स्वीकार करो। आंसू मत बहाओ, आंसू मत बहाओ। अगर जिंदगी में कभी कष्ट के दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो और ये सोचो कि शनिवार के बाद रविवार आता है, इस दुख के बाद जिंदगी में सुख भी आएगा। हिम्मत सोचो, सोचो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, हिम्मत ही काम आएगी, बाकी कुछ काम आने वाला नहीं है। दुनिया को अपने दुख दर्द मत बताओ, ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये तुम्हारे दुखों को रो रो करके पूछेगी और फिर दुनिया को हंस हंस करके बताएगी। इसलिए दुनिया के सामने अपने दुख बयां मत करो, मत करो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत हिम्मत ही काम आएगी। एक लड़के की शादी हुई तो उसके दोस्त ने कहा, इधर आ, इधर इधर आ, उसने एक मंत्र उसको दिया, बोले तेरी शादी हो रही नहीं, इसको ध्यान रखना, अगर इसको ध्यान नहीं रखा ना तो बहुत दुख भोगेगा, ठीक है। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे
आठ बजे ऑफिस जाना है, सात बजे नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो घबरा गए। नहीं नहीं बाबू थी, नहीं नहीं थी, घबरा नहीं तो नहीं। उसने छह बजे ही नाश्ता बना दिया। उसने कहा ये तो अच्छी बात है, मंत्र काम तो करता है। अगले दिन उसने कहा आज मेरे घर मेरे चार दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए भोजन बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो सुने हैं वो तो घबरा जाए। उसने दो बजे आने वाले थे, 12 बजे ही अच्छा भोजन बना के तैयार कर दिया। उसने कहा बाकी ये मंत्र तो बहुत काम कर दो, समय से पहले काम हो जाता। अगले दिन उसने कहा कि मैं 4 बजे मार्केट जाने वाला हूँ, मेरे भूख पर बारिश हो जाना चाहिए, नहीं तो परेशान हो गई, उसका चैन खत्म हो गया, नहीं तो बात बात में नहीं तो उसका जीना हराम हो गया। वो बाजू में एक बुढ़िया रहती थी, उसके पास गई और बोली अम्मा मैं इनका हर काम कर देती हूँ लेकिन फिर भी हर बात में नहीं तो बुढ़िया ने कहा कि पूछ लेना नहीं तो क्या। उसने कहा नहीं अम्मा मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं पूछ सकती हूँ, अगर मैंने पूछा नहीं तो क्या। उन्हें बोलना बंद कर दिया तो, घर से निकल गए तो, मुझे घर से निकाल दिया तो, नाराज हो गए तो फिर। अरे बुढ़िया ने कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं उस डब्बू को जानती हूँ, मैं उस डब्बू को अच्छी तरह जानती हूँ, तो चिंता मत कर, पूछ लेना नहीं तो क्या। बुढ़िया ने ढाटस बनाया और घर वापिस भेजा। अगले दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा मुझे 9 बजे की बंबई के लिए ट्रेन पकड़नी है, नहाने के लिए गर्म पानी 8 बजे हो जाना चाहिए, नहीं तो। पत्नी ने हिम्मत बांधी और बोली नहीं तो क्या। पति बोला ठंडे पानी से ना। ये क्या हो रहा है, हिम्मत तो करना पड़ेगी, नहीं तो ये नहीं तो बहुत दुख देगा, नहीं तो ये जिंदगी भर दुख देगा, इसलिए हिम्मत तो करना पड़ेगा, हिम्मत ही काम आएगा। इसलिए मैंने कहा हिम्मत से काम लो, घुटने मत टेको परिस्थितियों के सामने, घुटने मत टेकिए। अरे जिंदगी में दुख आए तब भी मुस्कुराइए, और इतना मुस्कुराओ जिंदगी में दुख आए तब भी मुस्कुराओ, और इतना मुस्कुराओ कि दुख को भी लगने लगे अरे यार कहाँ आ गए।